हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे पास छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग हमने शाम से ही शुरू कर दिया था, शाम के 5 बजे से। तो यहाँ पर हम बगिया को गए थे, भैंस को खोल कर लाए थे, और आज भैंस को पानी नहीं पिला पाया था बगिया में, क्योंकि ये लोग खोल कर जब भी लाते हैं तो बगिया से ही पिला कर पानी लाते हैं, तो घर पर नहीं पिलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ढोना पड़ता है पानी। तो हम सरकारी नल से पानी लेकर आते हैं तो अब पिलाते हैं। तो 2-3 बाल्टी इसने भैंस ने पी थी तो इसको पिला दी थी। और आज खेत पर मूँगफली खंदाई जा रही हैं, जो कि मशीन से खंदा ली जाती हैं तो जल्दी से हो जाता है, तो इतने ही टाइम खंदाई जाती हैं, तो इसीलिए सारे लोग खेत पर ही थे। वैसे इतने टाइम सारे लोग आ जाते हैं घर पर, तो इसलिए आज हमको खोलनी पड़ी भैंस। वैसे हम नहीं खोलते हैं ज़्यादातर, और जब कोई होता नहीं है घर पर तभी हमको खोलनी पड़ती है भैंस। तो इधर हमने पानी पिला दिया था और उसके बाद में ये हमने ब्लॉग को शुरू कर दिया था फिर से सुबह से। तो यहाँ पर हम मूँगफली फैलाने के लिए आ गए हैं, तो धूप निकल आई थी और ओस भी छूट गई थी, तो उसके बाद में हमने मूँगफली को सारी फैला दी। और शाम को रात हो गई थी तब हमने यहाँ, कल भूल गए थे, तो उसके बाद में हमने यहाँ पर मतलब पल्ली से ही ढक दिया, ज़्यादा हमने समेट नहीं पाए थे क्योंकि जल्दी की वजह से ऐसे ही पन्नी ढक दी थी। तो उगा दिए, थोड़े ही बीच में फैलाएंगे क्योंकि ये सूख चुकी हैं, थोड़ी बहुत ही गीली रह गई हैं और सूख जाएंगी। और इधर आ गए हैं रसोई में खाना बनाने के लिए, तो आलू हमने उबाल लिए हैं गैस पर ही, और यहाँ अब खाना बनाएंगे। तो थोड़े आलू हम कौर लेंगे और थोड़े रसा वाले बना लेंगे टमाटर डालकर। और यहाँ पर कल हमने की थी लिपाई, तो इसी वजह से चौका हमारा लगा हुआ पड़ा था, क्योंकि कल जब लिपाई की थी तभी हमने चौका लगा दिया था, तो यहाँ पर चौका लगाना नहीं पड़ा हमको सवेरे। और शाम को हमने खाना यहाँ पर नहीं बनाया था क्योंकि हमको जानवर भी कल देखने थे और खाना भी बनाना था, तो हमने खाना जल्दी से की वजह से, देर भी हो गई थी तो जल्दी की वजह से हमने गैस पर ही बना लिया था। और यहाँ अगर देरी हो जाए उसके बाद में खाना नहीं बन पाता है, क्योंकि लाइट की व्यवस्था अभी नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए देरी हो जाती है, तो हम गैस पर ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम छौंक लेते हैं आलू, तो पहले हम आलू कौर लेते हैं, उसके बाद में रसीली सब्जी बना लेंगे। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज भी खेत को खाना जाएगा, क्योंकि अभी एक खेत की मूँगफली शाम को खंदवाई गई हैं, अभी दूसरे खेत में खुदना शुरू हो गया है, तो अभी 1-2 दिन का खेत में और भी काम है। तो इधर हमारा आलू कौर चुके हैं, अब हम रसीली वाली सब्जी को छौंक देते हैं और रसीली बन जाएगी, उसके बाद में यहीं पर हम आकर पराठे से इन दिनों में ठंड भी होने लगी है, तो सुबह सुबह हमने ब्लाउज भी पहन लिया था, क्योंकि अभी स्वेटर हमने नहीं निकाल पाया है, तो एक गरम वाला ब्लाउज है तो यही हमने पहन रखा है। सुबह के टाइम थोड़ी सी हो जाती है ठंड, और वैसे दिन में नहीं लगती है, किसी किसी दिन दिन में हो जाती है ठंड, क्योंकि हमारा घर चारों तरफ से बंद है तो घर में ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन यहाँ बाहर नहीं लगती है, धूप ऊप निकल आती है तो धूप ऊप लग जाती है। और इन दिनों में थोड़े से हमारे पास ज़्यादा काम हो गए हैं, क्योंकि सुबह से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत हमको बाहर का भी काम करना पड़ जाता है, क्योंकि सारे लोग खेत पर चले जाते हैं तो चारा आरा और जो भी हमारे जानवर हैं उनको भी देखना पड़ता है साथ साथ में, तो थोड़े से ज़्यादा काम बढ़ गए हैं। और जो भी खेत का हमारा नाज है घर पर आ जाए तो घर के तो सारे काम बाद में धीरे धीरे होते रहते हैं, क्योंकि खेत से आ जाए घर पर तो बाद में भी हो जाएंगे जो भी हमारे काम हैं। और उसके बाद में सब्जी हमारी बन चुकी थी, उसके बाद में हम सेंकने लगे थे पराठे, तो पराठे थोड़ा सा ही आटा है, थोड़े से चावल भी बना लिए हैं, क्योंकि जो भी खाना हमारा खेत पर जाएगा उतना ही हमने रखा है पराठे बनाने के लिए आटा। पराठे हमारे बन जाए उसके बाद में खेत पर जाएगा खाना। और इधर हमने सारे तिकोनी ही पराठे बनाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर तिकोनी पराठे ही बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ रोटी की तरह भी सेंक लेते हैं और रोटी बनाकर गोल गोल डबल करके भी बना लेते हैं, लेकिन हम लोगों को ज़्यादातर तिकोनी पराठे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए तिकोनी ही बनाए हैं। बहुत ही अच्छे से सारे पराठे बने थे, बिल्कुल फूले फूले से।
इसीलिए हम जब भी पराठे बनाते हैं तो हम चूल्हे पर ही बनाते हैं, क्योंकि चूल्हे पर आँच अच्छे से लगती है, इतने अच्छे से गैस पर आँच नहीं लग पाती है। हमारा तावा ये है, ये भी बहुत भारी है, तो इसी वजह से गैस पर जल्दी से आँच नहीं लगती है, चूल्हे पर जल्दी से आँच लग जाती है, तो अच्छे से पराठे भी सिक जाते हैं हमारे। इधर हमारा खाना आना बन चुका था, उसके बाद में हम बना रहे थे आरोही के लिए दियों से तराजू, क्योंकि बच्चों की भी कभी कभी खुशी पूरी करनी ज़रूरी होती है, तो आरोही सबके देख आई थी, सब बच्चों ने मतलब बनवा लिए थे, और कोई कोई बच्चे जो भी बड़े हैं वो बना भी लेते हैं, जो भी हमारे दीपावली में दिए आए थे तो सारे घर सारे लोगों के घर पर आते हैं, तो सारे बच्चों ने तराजू बनवा लिया था, तो इसीलिए आरोही भी बोल रही थी कि मम्मा तराजू हमें चाहिए, तो हमने कहा कि हम तो पहले से ही बना लेते हैं, क्योंकि छोटे पर हमने बहुत सारे तराजू बनाए हैं, जब भी दीपावली आती थी तो हम सबके लिए तराजू बना देते थे, अपने भाई बहन के लिए, हमसे दो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी बना देते थे, और भी मतलब जो भी मोहल्ले पड़ोस के बच्चे थे उनके लिए भी बना देते थे, हमें बहुत अच्छे से तराजू बनाना आता है। आरोही कई दिनों से हमसे बोल रही थी कि मम्मा तराजू बना दो, क्योंकि ये जब भी अपने संगी साथी को तराजू लेते हुए देखती थी तभी हमसे बोलती थी, तो हमको टाइम नहीं मिल पाया था, तो आज हमने कहा कि इनका तराजू बना ही देते हैं, तो यहाँ पर हम सारा सामान लेकर आ गए थे जो भी इसमें धागा आगा लगता है, और दियों को थोड़ा सा हमने भिगो लिया था तो इससे जल्दी से छेद भी हो गया था, सूजे से हमने छेद कर लिया, तो वो डलिया बिनने वाला हमको सूजा नहीं मिल पाया था, लेकिन वो वाला सूजा हमको मिल गया था जिससे हमारे यहाँ बोरे वोरे सिले जाते हैं, थोड़ा सा वो वाला सूजा मोटा होता है, तो चोन से हमने अच्छे से छेद कर लिए थे, तो एक दिए में हमने तीन छेद बना लिए थे, और आरोही यहीं पर बैठी रही, क्योंकि कभी कभी बच्चों की भी खुशी पूरी करनी ज़रूरी होती है, तो वैसे भी कोई भी बच्चे हो थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों में भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, तो हमने कहा चलो इनके लिए तराजू ही बना देते हैं, उतने में ही ये खुश हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही खुश हो गई थी जब भी हम तराजू बना रहे थे, और ये मतलब चलाने के लिए बहुत ही खुशी थी कि जल्दी से हमको मिल जाए, हम भी चलाएँ और तौलें जाके कुछ भी, और उसके बाद में इन्होंने बहुत सारी मिट्टी इट्टी तौली थी इससे, और इधर हम फिर आ गए थे अपने काम में लग गए थे, क्योंकि हमारा काम अभी छूटा पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर हमने गैस को साफ़ कर लिया था, और गैस हमारी अब की यहीं पर रखी है, जब भी हम लीपते पोतते हैं तो अंदर रख देते हैं और उसके बाद में यहीं पर रख देते हैं, और इधर हमारे बर्तन वर्तन भी बहुत सारे पड़े हुए थे, तो बर्तन वर्तन भी धुल लिए थे हमने, गैस के जो हमारे बर्नल हैं वो भी काफ़ी दिनों से हमने साफ़ नहीं किए थे, तो उसमें कचड़ा भर गया था, तो उनको भी हमने आज साफ़ कर लिया है, क्योंकि ये जो स्टैंड होते हैं ये जल्दी जल्दी साफ़ कर लेते हैं, और बर्नल जो होते हैं ये कभी कभी ही साफ़ हो पाते हैं, डेली नहीं साफ़ कर पाते हैं, और बर्तन को मांजने में भी बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो चूल्हे वाले बर्तन होते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, और गैस के बर्तन फिर भी थोड़े से जल्दी हो जाता है, लेकिन काले बर्तन में ज़्यादा टाइम लग जाता है मांजने में, और आज सुबह के भी बर्तन हमने चाय नाश्ते वाले जो भी हमारे बर्तन इकट्ठा हुए थे वो भी हमने आज धुल नहीं पाए थे, तो इसी वजह से सारे बर्तन एक साथ में ही इकट्ठे हो गए थे, और वैसे तो घर के काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, और अब दीपावली को लिपाई पुताई हुई थी, उसके बाद में लिपाई पुताई भी नहीं हमने कर पाई है, तो अब लिपाई पुताई भी करनी हो गई है, तो आज थोड़ी सी लिपाई भी करेंगे, वो करेंगे हम पीछे जो हमारा बना है वहीं पर हम थोड़ी सी लिपाई भी करेंगे, वहाँ पर हमने दीपावली को भी नहीं लिपाई कर पाई थी, तो इसी वजह से अब करेंगे, वहाँ पर सिर्फ पीली वाली मिट्टी ही लगा दी थी, तो आज थोड़ी सी वहाँ पर लिपाई भी कर देंगे हम। और इधर हम आ गए हैं लिपाई करने के लिए, तो गोबर ओबर लेकर आ गए थे बगिया से, तो धूप भी काफ़ी हो गई थी, लेकिन हमने कहा कि अब कर देते हैं, उसके बाद में ही नहाते धोते हैं, क्योंकि काम तो कभी चुकता ही नहीं है, तो धीरे धीरे हम करते जाएंगे तो हमारा काम भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और दो तीन दिन में अभी हम घर पर भी लिपाई करेंगे तो वो भी हमको करनी है, तो इसी वजह से पहले हमने कहा कि यहाँ पर घुमा देते हैं गोबर तो अच्छा लगेगा, और यहाँ पर चौका हमने लगा दिया था सुबह के ही टाइम, वो आप सभी को नहीं हमने दिखा पाया, और लिपाई हमने इतने टाइम की है।
और ये वीडियो है हमारे दीपावली के पहले की, जो कि हमने बनाई थी बड़ी अम्मा की पर्दा। तो जो पुरानी वाली पर्दा थी वो बड़ी अम्मा की ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए उनको ज़रूरी था, तो इसी दिन हमने दिन के दिन ही बना दी थी जल्दी से, और उसके बाद में और बाकी के काम हमने किए थे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।